योगेश जी ने इतना अच्छा यहाँ आवाज़ निकाला साहब का। दूसरी बात, यहाँ एक माहौल बना है, चित्रकार हैं, अरे ये बहुत अच्छी चित्र करती है यंग, और बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट का काम यहाँ हो रहा है। उधर शिल्पकार हैं, माहौल बन रहा है, उधर भी देखिए कुछ काम चल रहा है। तो इन आए हुए सभी कलाकारों के लिए दो लाइन हमारे योगेश भाई के लिए सुनाना चाहता हूँ मैं। यहाँ ये जो मॉडल बैठे हैं, ये भी बहुत फेमस आदमी है, ये विजय मोहन भाटिया हैं। ये आप देखोगे इनके कई लोगों ने उनके पोर्ट्रेट बनाए हैं, और वो खास आज मुंबई से आए हैं। तो सारे जो कलाकारों के लिए मैं दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। सब उसको रही तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना। दो साल के अंतराल के बाद कलाकार मिल रहे हैं, कोरोना ने मिलने से रोक दिया था सबको, और पुणे में कलाकारों का मिलना बहुत बड़ा जश्न है। कैलेंडर साठी दिलीशताईंची पेंटिंग्स, कलेक्शन ऑफ इंडियन ऑइल जहांगीर आर्ट गॅलरी, ऑरेंज फेस्टिवल जवाहरलाल दर्डा गॅलरी, कलेक्शन ऑफ मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कैलेंडर, मूविंग फिंगर, उजागर, हैबिटेट, लॉस्ट चाइल्डहुड, इंद्रधनु, वसुंधरा, कलाछवी इंटरनॅशनल शो, इन्स्टेट ऑफ नेचर ऑनलाईन न्यूज शो, अशा वेगवेगळ्या ग्रुप शोज आणि कलेक्शन्समध्ये त्यांचं पार्टिसिपेशन आहे। आजपर्यंत वेगवेगळ्या 9 कॅम्प्समध्ये त्या सहभागी झालेल्या आहेत, 9 प्रात्यक्षिकांमध्ये सहभागी झालेल्या आहेत। आमच्या या संयोजन समितीचे हरेश खटावकर, बापूसाहेब सांजे, मुरली लाहोटी, निलेश आर्टिस्ट, या सगळ्यांनी किती योग्य आणि मोठ्या कलावंतांना आमंत्रित केलेलं आहे, हे तुमची कला बघून आम्हाला या ठिकाणी खूप मनोमन आनंद वाटला। खात्री आणि विश्वास तर आम्हाला होताच। मी उपस्थितांना खरंच मनापासून विनंती करेन की आपण जोरदार टाळ्यांनी दिलीशताईंचं अभिनंदन करू।
त्यांनी ज्यांचं चित्र काढलेलं आहे ते विजय मोहन त्यांच्या पण पेशन्सला दाद देऊ. अगदी स्थिरचित्त छान बसलेले होते. मी माननीय दीपक भाऊ मानकर यांना विनंती करतो आपण निलेशा फड यांना सन्मानित करावं. विनोद येरारपूरकर या आमच्या मित्रांनी साकारलेलं हे स्मृतिचिन्ह आहे. शाल स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन निलेशा फड यांचा सन्मान होतोय.